इस्लामिक गोल्डन एज एपिसोड नंबर 3। रात को आसमान में बहुत सारे टिमटिमाते तारों के बीच में आप जिस चांद को चमकते हुए देखते हैं, इसी चांद पर एक इलाका ऐसा है जिस इलाके का नाम एक मुसलमान वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। क्या सच में ऐसा कुछ मुमकिन हो भी सकता है? जी हाँ, अगर आपके पास एक अच्छा सा टेलीस्कोप मौजूद है तो पूनम की या पूरे चांद वाली किसी रात उस टेलीस्कोप को चमकते हुए चांद की तरफ मोड़ दीजिए। अब अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक 17.9 लेटिट्यूड या 17.9 अक्षांश और 92.5 लॉन्गिट्यूड यानी 92.5 देशांतर की तरफ मोड़ दे, तो अब चांद का जो हिस्सा आपकी आंखों के सामने होगा उस हिस्से को अल बिरूनी क्रेटर कहा जाता है। यानी वाकई ये हिस्सा एक मुसलमान वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल चांद का ये वाला भाग 10वीं सदी के महान मुसलमान वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन या गणित शास्त्री और फिलोसोफर अबू रेहान अल बिरूनी के नाम पर से रखा गया है। आप सबके दिमाग में फिलहाल सवाल तो यही उठ रहा होगा कि ये अबू रेहान अल बिरूनी कौन थे और आखिर क्यों चांद के हिस्से का नाम उनके नाम पर रखा गया। सो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि यही सब तो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। अबू रेहान मोहम्मद इब्ने अहमद अल बिरूनी इस्लामी दुनिया के एक फिलोसोफर यानी भौतिक विज्ञानी, मिनरोलॉजिस्ट यानी खनिज विज्ञानी, फिलान्थ्रोपिस्ट यानी लोकोपकारक और एक महान वैज्ञानिक भी है। लेकिन उनकी असल पहचान गणित शास्त्र, जियोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी यानी अवकाश शास्त्र से है। इन्हीं विषयों के अंदर तो अल बिरूनी की अनमोल खिदमात या ग्रेट कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में गुजर चुके बड़े बड़े वैज्ञानिकों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अल बिरूनी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने वक्त से इतना आगे थे कि उनकी की गई खोजें और डिस्कवरीज उन्हीं के दौर के वैज्ञानिकों के समझ से भी बाहर थी। अल बिरूनी का जन्म साल 973 ईस्वी में ख्वारज्मी सल्तनत की राजधानी ख्वारज्म के एक शहर कात में हुआ था। कास नामी ये शहर आजकल उज़्बेकिस्तान में मौजूद है। बचपन से ही अल बिरूनी को कुछ न कुछ नया सीखने की तलब लगी रहती थी। वो चाल चलन में बहुत होशियार थे और अपने इर्द गिर्द की और कुदरत की हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखते थे, या कह लीजिए कि कुछ न कुछ नया सीखते रहते थे। कहा जाता है कि अल बिरूनी के लिए हर शय, हर चीज़ हैरत और करिश्मों का एक जहान अपने अंदर समाये हुए थी। यही तो वजह है कि उनकी कलम ने जिन विषयों पर भी रिसर्च किया, उनमें से हर विषय के रिसर्च का एक किनारे से दूसरे किनारे तक का सफ़र वाकई बहुत लंबा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही गहराई से काम किया करते थे। अल बिरूनी जिस दौर में पैदा हुए थे, उस दौर में मुसलमानों की मरकज़ी खिलाफत लगभग ख़त्म हो चुकी थी। यानी पूरी इस्लामी दुनिया को कोई एक खलीफा नहीं संभालता था, बल्कि अब तो इस्लामी दुनिया छोटी बड़ी रियासतों, सल्तनतों और कई राज्यों में टुकड़े होकर बढ़ चुकी थी। हर रियासत और सल्तनत का एक अलग सुल्तान हुआ करता था। पॉलिटिकल यानी सियासी नज़रिए से ये कठिन दौर था, लेकिन इस्लामी दुनिया में वैज्ञानिक तरक्की, इल्म और नॉलेज हासिल करने की जस्तजू का जो बीज अब्बासी खिलाफत के दौर में बोया गया था, वही बीज अब एक कटादार पेड़ बन चुका था और अब तो इस पेड़ पर फल लगने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। अल बिरूनी जिस जमाने में पैदा हुए, उस जमाने में बहुत से मुसलमान वैज्ञानिक, खोजकर्ता और इतिहासकार अपना लोहा दुनिया भर में मनवा चुके थे। यहाँ तक कि उस दौर में मुसलमानों की लाइब्रेरीज में ज्यादातर ग्रीक और यूनानी किताबों का तर्जुमा या अनुवाद भी हो चुका था। यहाँ तक कि ये अनमोल किताबें आम आवाम यानी जनता के लिए भी मयसर थी, अवेलेबल थी, और इन किताबों में किसी भी विषय पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। सोने पर सुहागा ये था कि उस जमाने में भी कागज़ बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता था, जिसकी वजह से किताबें लिखने का फन और रिसर्च का काम बहुत ही आसानी से हो जाया करता था। इस विज्ञानी और इल्मो नॉलेज हासिल करने के तड़कते फड़कते दौर में अल बिरूनी को एक बहुत ही काबिल और अनुभवी उस्ताद यानी शिक्षक मिल गए। इसी शिक्षक से उन्होंने यूनानी या ग्रीक भाषा को सीखा
और इसी ग्रीक भाषा की मदद से अल-बिरूनी अब दूसरे ग्रीक यूनान के महान विद्वान जैसा कि सोक्रेटस, गैलन, यूक्लिड, पाइथागोरस, एरिस्टोटल, टोलोमी और आर्किमिडीज वगैरह की किताबों को उनकी असल ग्रीक भाषा ही में पढ़ पाए और बहुत कुछ सीख सके। तर्जुमे या अनुवाद की हुई किताबों के बजाय असल ग्रीक भाषा वाली किताबें पढ़ने की वजह से अल-बिरूनी के रिसर्च को और ज़्यादा गहराई मिली। अपने वक्त के हिसाब से कोई भी विषय ऐसा नहीं था जिसमें अल-बिरूनी को दिलचस्पी ना हो, लेकिन जिस फील्ड और विषय में आप शुरू से ही माहिर थे और जो विषय पूरी ज़िंदगी आपकी दिलचस्पी का मरकज बने रहे, उनमें मैथमेटिक्स यानी गणित, जियोमेट्री या ज्यामिति, एस्ट्रोनॉमी यानी अवकाश शास्त्र, मेडिसिन या डॉक्टरी और फिलोसफी जैसे बड़े बड़े विषय शामिल है। इसके अलावा आप दीनी इल्मो नॉलेज जैसे फिका और थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र में भी बहुत दिलचस्पी रखते थे। खास बात यह कि वैसे भी उस दौर में पढ़ाई लिखाई के मामलों में तकसीम और बंटवारा वैसा नहीं था जैसा आज के दौर में समझा जाता है। मतलब कि आज के दौर में धर्म का नॉलेज एक अलग विषय है और दुनियावी नॉलेज भी एक अलग विषय है, जबकि उस दौर में किसी भी धर्म का मानने वाला किसी भी धर्म का ज्ञान और नॉलेज हासिल करना ये कोई बुरी चीज़ नहीं समझता था। यानी उस दौर में लोग दुनिया के साथ साथ हर धर्म का नॉलेज भी सीखा करते थे। मैं पहले ही आपको ये बता चुका हूँ कि किसी भी विषय में रिसर्च और खोज काम को अच्छी तरह से जारी रखने के लिए किसी मजबूत इदारे या सरपरस्त या सरकार के सपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अल-बिरूनी के दौर में मुसलमानों के इल्म नॉलेज हासिल करने की तलब का ये आलम था कि न सिर्फ शाही दरबारों में बल्कि आम सरदार और उमरा के यहाँ उलमाओं, शिक्षकों या विद्वानों का पाया जाना ये आम बात हो चुकी थी। हर छोटे से छोटे दरबार में कोई ना कोई फिलोसोफर या पढ़ा लिखा विद्वान मौजूद होता ही था। बड़े बड़े सरदार अपनी मजलिस और दरबारों में पढ़े लिखे लोगों को और विद्वानों को बड़े बड़े अहदों पर रखते और अपने दरबारों में इन विद्वानों की मौजूदगी को बाएं से शर्फ समझते यानी इज्जत वाली बात समझते। खुशकिस्मती से अल-बिरूनी को एक ख्वारज्मी शहजादे अल-मंसूर की शक्ल में एक होशियार और ज़हीन हस्ती की सरपरस्ती या कह लीजिए कि एक बड़ा सपोर्ट मिल गया, क्योंकि शहजादे अभी मंसूर खुद भी एक काबिल मैथमेटिशियन यानी गणित शास्त्री और एस्ट्रोनॉमर यानी अवकाश शास्त्री थे। ये शहजादे अबू मंसूरी थे जिन्होंने अल-बिरूनी को यूक्लिड की ज्योमेट्री और प्लोटोमी की एस्ट्रोनॉमी या अवकाश शास्त्र की पहचान करवाई। 17 साल की छोटी सी उम्र तक पहुंचते अल-बिरूनी एक माहिर गणित शास्त्री के तौर पर अपना नाम बना चुके थे। लेकिन आपका ये नाम, इज्जत और शोहरत अभी सिर्फ ख्वारज्म सल्तनत के अंदर तक ही महदूद थी। एक अंदाजे के हिसाब से अल-बिरूनी लगभग 25 साल तक ख्वारज्म के अंदर ही में अलग अलग राजाओं और बादशाहों के नीचे रहकर उनके दरबारों में काम करते रहे। लेकिन अपने इल्म और नॉलेज में बढ़ोतरी करने के लिए अल-बिरूनी एक ऐसे मरकज या शहर में जाकर बसना चाहते थे जो पढ़ाई लिखाई और विज्ञान में दिलचस्पी रखता हो और जहाँ पर उनके रिसर्च का काम आसानी से पूरा हो सके। ये वो दौर था जब ख्वारज्मी सल्तनत के अंदर खाना जंगी या कोल्ड वॉर चल रहा था और इसी खाना जंगी या कोल्ड वॉर के बीच में ही अल-बिरूनी ने ख्वारज्म से निकलने का फैसला कर लिया। यहाँ तक कि अल-बिरूनी सामानी सल्तनत के बजाय सीधे बुखारा जा पहुँचे। कुछ अरसा यहाँ पर ठहरने के बाद अल-बिरूनी बहरा कैस्पियन मतलब कैस्पियन समुद्र के किनारे गोरगान नामी इलाके में अमीर काबूस के पास चले गए और अपने इल्मी तहकीकात और रिसर्च का काम जारी रखा। यही तो वो जगह थी जहाँ पर अल-बिरूनी की मुलाकात एक और बड़े होशियार और जहीन मुसलमान फिलोसोफर और डॉक्टर इब्ने सीना से हुई। जी हाँ, वही इब्ने सीना जो इल्म और नॉलेज के मामले में हूबहू अल-बिरूनी जैसे ही काबिल और होशियार थे। इब्ने सीना के बारे में तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। दोस्तों, भले ही ये दोनों इल्मी शख्सियत इल्म और नॉलेज के मामले में रहती दुनिया तक अपने झंडे गाड़ कर गए थे, लेकिन दोनों की सोच और विचारधारा के बीच में इख्तलाफी राय और नजरियाती इख्तलाफ या कह लीजिए कि हर विषय में दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हमेशा बना रहता था। यानी दोनों के बीच में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर विरोध पैदा हो जाता था। एक कहता था कि इस काम को इस तरह से किया जाए तो दूसरा कहता था बिल्कुल नहीं, इस काम को वैसे कर दिया जाए। सो इब्ने सीना से मुलाकात करने के बाद भी अल-बिरूनी ने उनसे खतो खिताबत का यानी लेटर्स लिखने का सिलसिला जारी रखा।
और इन्हीं खत और लेटर्स के अंदर अल बिरूनी ने 18 सवाल इब्ने सीना के सामने पेश किए, जिसके बाद इन सवालों के जवाबात पर भी दोनों के बीच में तीखी और नॉलेजेबल बहस छिड़ गई। इन 18 सवालों में से 10 सवालों का ताल्लुक अरस्तु की फिलोसोफी, कायनात या ब्रह्मांड और स्वर्गीय शरीर से था। बाकी 8 सवालों का ताल्लुक विज्ञान और फिजिक्स के मेन मुद्दों या मेन विषयों पर था, जिसमें पानी, रोशनी, हलन चलन और तापमान से जुड़े सवाल मौजूद थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इब्ने सीना और अल बिरूनी के सवालों के जवाब के खत और लेटर्स आज भी मौजूद है, और इन पुराने खतों में वही गहराई और रवानी मिलती है जो 1000 साल बाद भी आज के दौर की विज्ञानी बहसों के अंदर पाई जाती है। साल 994 यानी 1994 ईस्वी में मशहूर मुस्लिम और माहिर एस्ट्रोनॉमर अल खुजंदी ने सूरज के घुमाव यानी परागमन से रे शहर के अक्षांशों का पता लगाया। अल बिरूनी ने अल खुजंदी की खोज, रिसर्च और अक्षांशों के हिसाब को गलत साबित किया और अल खुजंदी के रिसर्च में मौजूद गलतियों को अपने हिसाब से बदलाव करके बेहतर और सही बनवाया। इसी वजह से बतौर एक माहिर एस्ट्रोनॉमर के तौर पर अल बिरूनी की शोहरत और इज्जत चारों तरफ और भी ज़्यादा फैल गई। अगर हम अल बिरूनी के इतिहास को खंगाल रहे हैं तो इसमें एक और ख़ास शख्सियत के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है, और वो शख्सियत है सुल्तान महमूद गजनवी। जिस दौर में इब्ने सीना और अल बिरूनी इल्म और नॉलेज और तरक्की के मैदान में रोशनी के चिराग जला रहे थे, उसी दौर में सरदार महमूद गजनवी एक उभरती हुई ताकत के तौर पर सामने आ रहे थे। सरदार महमूद गजनवी ने एक आम सरदार और जंगजू से हटकर एक बहुत बड़ी सल्तनत या राजपाट कायम करने का ख्वाब देखा, और उन्होंने गजनी को अपने राजपाट की राजधानी के तौर पर मुंतखब कर लिया यानी गजनी को राजधानी बनाया। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि उस दौर में बड़े बड़े सरदार, बादशाह या बड़ी बड़ी सल्तनतों में होशियार, पढ़े लिखे और विद्वान लोगों को अपने दरबारों में शामिल करना और उनको बड़े बड़े अहदों पर बिठाना ये काम रिवाज बन चुका था। इसीलिए महमूद गजनवी को भी अपने दरबार के लिए एक होशियार और विद्वान शख्सियत की ज़रूरत थी। सब सामानी सल्तनत पर कब्जा करने के बाद महमूद गजनवी ने इब्ने सीना और अल बिरूनी को उनकी मर्जी के खिलाफ गजनी ले जाने का फैसला किया। ऐसे हालात में इब्ने सीना ने तो वहां से फरार होकर अपनी जान बचा ली, मगर अल बिरूनी सुल्तान महमूद गजनवी की पकड़ में आ गए, जिसके बाद महमूद गजनवी अल बिरूनी को पकड़कर अपने साथ अपने दरबार में गजनी तक ले आए, जहाँ पर साल 1030 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी की वफात या उनकी मौत तक अल बिरूनी सुल्तान के साथ ही रहे। महमूद गजनवी के दरबार में भले ही अल बिरूनी विद्वान और ख़ास लोगों में शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद भी आज़ादाना यानी खुले तौर पर नकलो हरकत की, रिसर्च की और अपनी विचारधारा के मुताबिक कुछ कहने या बताने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। यानी आप कह सकते हैं कि अल बिरूनी को महमूद गजनवी के दरबार में दबा कर रखा जाता था, लेकिन फिर भी इसी पूरे अरसे के दौरान अल बिरूनी अपने काम और रिसर्च से तो जुड़े ही रहे, लेकिन सुल्तान के साथ उनके रिश्ते और ताल्लुक हमेशा से तनाव का शिकार रहे। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि सुल्तान महमूद गजनवी की वफात के बाद उनके बेटे मसूद बादशाह के तख्त पर बैठे। जैसे ही मसूद गजनवी बादशाह बने तो वैसे ही उन्होंने अल बिरूनी को पूरी आज़ादी दे दी, लेकिन इसके बावजूद भी अल बिरूनी ने अपने वतन वापस लौटने की कोशिश नहीं की, और ना सिर्फ अपनी बाकी बची पूरी जिंदगी वहीं पर गुजार दी, बल्कि सुल्तान मसूद गजनवी के साथ अपनी वफादारी और भावनाओं के इजहार के तौर पर अपनी एक किताब अल कानून का नाम सुल्तान के नाम पर से ही रखा। इल्मे फलकियात यानी एस्ट्रोनॉमी या अवकाश शास्त्र की ये किताब आज भी कानून अल मसूदी के नाम से ही जानी जाती है। अल बिरूनी ने मैथमेटिक्स यानी गणित, ज्यामिति जियोमेट्री, अवकाश शास्त्र एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मिनरोलॉजी, मेडिसिन या डॉक्टरी, फिलोसोफी और एंथ्रोपोलॉजी यानी मनुष्य जाति के विज्ञान जैसे विषयों में अपनी गहरी छाप छोड़ी। अल बिरूनी अपनी मातृभाषा के अलावा अरबी, फारसी यानी पर्शियन, इब्रानी यानी हिब्रू, ग्रीक मतलब यूनानी और हमारे भारत की संस्कृत भाषा के अंदर भी माहिर थे। अल बिरूनी अपने रिसर्च और जानकारी को रिकॉर्ड या इकट्ठा करने और इसको बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट या पेश करने पर भी यकीन रखते थे।
इसीलिए तो 60 साल की उम्र में आपने अपनी पूरी जिंदगी, यहाँ तक कि अपने ओहदे के कामकाज को भी रिकॉर्ड किया, इकट्ठा किया। इसी रिकॉर्ड के मुताबिक अल-बिरूनी के पास से 140 किताबें पाई गई, जिनमें आधे से ज्यादा किताबों का ताल्लुक मैथमेटिक्स यानी गणित और एस्ट्रोनॉमी यानी अवकाश शास्त्र से जुड़ा है। अल-बिरूनी को इस्लामी दुनिया का एक लौता वाहिद मुसाफिर भी कहा जाता है, क्योंकि जहां उन्होंने बहुत से नए और अनोखे विषयों पर रिसर्च की, वहीं पर उन्होंने सदियों से चले आ रहे नज़रियात और आइडियाज पर शक की उंगली भी उठाई। और ना सिर्फ उनके अपने नज़रियात और आइडियाज को साफ साफ किया, बल्कि उनको एक नए और बेहतरीन अंदाजे से पेश भी किया। असारुल बाकिया यानी द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशंट नेशंस उनकी अहम तरीन और पहले लिखी गई किताबों में से सबसे बेहतरीन किताब है। इस पूरी किताब का मकसद वक्त को नापने का एक ठोस तरीका खोजने का था, यानी एक ऐसी किताब जिससे दुनिया के किस हिस्से में क्या वक्त चल रहा है ये पता लग सके। अल-बिरूनी ने यह किताब 27 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था और तब से लेकर अपनी जिंदगी के अगले 35 साल इस किताब पर काम करते रहे और साथ ही साथ अपने दूसरे कामों को भी अंजाम देते रहे। अल-बिरूनी ने इसी बड़ी किताब में ना सिर्फ अपने दौर की अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं के बारे में लिखा, उन्हें जाना, बल्कि उन संस्कृतियों और सभ्यताओं के बारे में भी जानकारी हासिल करके लिख डाला जो बहुत अरसा पहले ही दुनिया से मिट चुकी थी। इस किताब में अहले फारस यानी पर्शियंस, अहले जरतख्त यानी जोरोस्ट्रियंस, बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले, सेंट्रल एशियंस यानी एशिया के बीचों बीच रहने वाली सभ्यताएं, ज्यूज यानी यहूदी, यहाँ तक कि क्रिश्चियन और मुस्लिम दुनिया के कैलेंडर्स की इंफॉर्मेशन को भी इसी किताब में इकट्ठा कर दिया था। इस तरह से असारुल बाकिया अपनी असल में उस वक्त की दुनिया की एक विज्ञानी साइंटिफिक तारीख होने के साथ साथ मॉडर्न विज्ञानी नजरियात और आइडिया से भरी एक बेहतरीन किताब थी। अल-बिरूनी के तमाम इल्मी कारनामों को अगर एक तरफ रख दिया जाए और सिर्फ किताबुल हिंद यानी द बुक ऑफ इंडिया ही की बात की जाए तो ये किताब भी अलग से अपनी इनफरादी हैसियत रखती है। अगर सिर्फ इल्म और नॉलेज के नज़रिए से जांचा जाए तब भी किताबुल हिंद बहुत सारी किताबों से एकदम अलग और साइंटिफिक इंसाइक्लोपीडिया है। ये किताब अल-बिरूनी के वक्त की हिंदुस्तान के हालात से जुड़ी एक ख़ास किताब है, जिसमें हिंदू संस्कृति, सभ्यता, उनके रहन सहन, अकीदे, मान्यताएँ और फिलोसफी के बारे में जानकारी लिखी गई है। किताबुल हिंद किसी भी कल्चर या संस्कृति पर ख़ास तौर पर लिखी गई और अपने नज़रिए से हिंदुस्तान कैसा दिखता है ये सब बताने वाली पहली किताब है। बहुत से एंथ्रोपोलॉजी के माहिरिन के मुताबिक किताबुल हिंद को एंथ्रोपोलॉजी की यानी मनुष्य जाति के विज्ञान की पहली किताब कहा जा सकता है। उस वक्त तक मुसलमानों के वहाँ हिंदू सिर्फ बुद्ध परस्त यानी मूर्ति पूजा करने वाली एक मुशरिक कौम के तौर पर ही जाने जाते थे और वो हिंदू तहजीब, संस्कृति और हिंदुओं की बुद्धिमत्ता से अक्सर अनजान ही थे। सुल्तान महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर जंगी मुहिम छेड़ने की वजह से अल-बिरूनी का हिंदू स्कॉलर्स या हिंदू विद्वानों से राबता मुमकिन हो सका। आपने इन्हीं हिंदू विद्वानों से संस्कृत भाषा सीखी और हिंदुओं की संस्कृति और सभ्यता का बड़े गौर से जायजा लिया, यहाँ तक कि बड़े ही करीब से हिंदुओं को जाना भी। भले ही अल-बिरूनी धर्म के हिसाब से एक मुसलमान थे, लेकिन उनकी गैर जानिबदारा तहकीक ने यानी दूसरे धर्म और सभ्यताओं पर की गई रिसर्च ने पूरी दुनिया पर यह बात साफ साफ कर दी कि हिंदू धर्म या हिंदुइज्म सिर्फ मूर्ति पूजा का नाम नहीं, बल्कि हिंदुओं के यहाँ तो एक मुकम्मल निज़ाम यानी हिंदू धर्म का और उनके तौर तरीकों का पूरा कच्चा चिट्ठा ज़ेर अमल है, जिसकी गहराई में हिंदुओं की खुद की एक फिलोसोफी यानी दर्शन शास्त्र मौजूद है। किताबुल हिंद नामी ये किताब 80 भाग यानी 80 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और इसमें हिंदू धर्म के भगवान, जिंदगी, मौत, जन्नत जहन्नम यानी स्वर्ग और नरक के बारे में बातें लिखी गई है। इस चैप्टर के बाद इसी किताब में हिंदू धर्म की फिलोसोफी, मैथमेटिक्स या गणित शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी यानी अवकाश शास्त्र और वक्त की पैमाइश यानी समय की धारा से जुड़ी जानकारी लिखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अहम बातों को बताना भी जरूरी है। पहली बात ये कि इतिहास में कोई भी ऐसी कौम जिसने दूसरी किसी कौम को हरा कर उन पर शासन किया हो तो वो जीतने वाली कौम कभी भी हारी हुई शिकस्त खुर्दा कौम के धर्म पर, उनके तौर तरीकों पर किताबें नहीं लिखा करती।
किसी जीती हुई कौम की हारी हुई कौम पर किताबें लिखने की पहली मिसाल शायद अल बिरूनी ने ही दुनिया को दी है। यूं अल बिरूनी की ये कोशिश मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के अंदरूनी कल्चर और संस्कृति को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई और इसी वजह से दोनों धर्मों के विद्वानों और इतिहासकारों को एक दूसरे के इतिहास और तौर तरीके समझने में आसानी पैदा हुई। न सिर्फ ये बल्कि 18वीं सदी में जब ब्रिटिशर्स और अंग्रेज़ों ने बर्रे सगीर यानी हमारे अखंड भारत के अंदर बसना शुरू किया तो अंग्रेज़ों ने यहाँ के कल्चर तौर तरीके और रहन सहन को जाँचने और सीखने के लिए इसे किताबुल हिंद का मुतालबा किया। यानी आप कह सकते हैं कि भारत के लोगों को समझने के लिए अंग्रेज़ों ने पहले इस किताब को समझ लिया। दूसरी बात ये कि किताबुल हिंद में अल बिरूनी ने यह नज़रिया भी पेश किया कि कदीम यानी पौराणिक हिंदुस्तान और पौराणिक यूनान यानी ग्रीक के फिलोसोफर और विद्वानों के बीच में बहुत सी बातें नज़रियात और आइडियाज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि ये दोनों कल्चर या संस्कृति और सभ्यताएं एक ही पेड़ की दो शाखाएं मालूम होती थी। यानी पौराणिक भारत और पौराणिक यूनान ग्रीक ये दोनों एक ही थे। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि ये ग्रीक और यूनानी लोग तो इल्मो नॉलेज फिलोसोफी और हर विषय में बहुत आगे निकल गए मगर हमारे भारत के या कह लीजिए कि हिंदुस्तान के विद्वान किसी करिश्मे या नई खोज तक नहीं पहुँच सके। क्या आप जानते हैं कि इसकी क्या वजह थी कि हम भारतीय पीछे रह गए और आखिर कैसे ही यूनानी और ग्रीक लोग हमसे आगे निकल गए? अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए और नहीं जानते तो गौर से सुनते जाइए। तो इस पूरे मसले में हमारे हिंदुस्तानियों के ग्रीक और यूनानियों से पीछे रह जाने की असल वजह अल बिरूनी ने हमारी यानी हिंदुस्तान की मातृभाषा संस्कृत को जिम्मेदार ठहराया है और ये 100% सही ही तो है क्योंकि अल बिरूनी के मुताबिक संस्कृत एक गैर विज्ञानी भाषा थी जिसमें मुहावरात और तस्बीहात यानी प्रोवर्ब्स और शब्दों की बहुत कमी थी जिसकी वजह से किसी एक शय रिसर्च विषय और विज्ञानी मालूमात को ठोस तरीके से गहराई से करना बहुत ही मुश्किल था। और ये बात भी सच है कि पूरी दुनिया में संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें दूसरी किसी भी भाषा के मुकाबले पर बहुत कम शब्द पाए जाते हैं। तीसरी बात ये कि पहले के दौर के विद्वानों की राय के बरखिलाफ आज के कुछ विद्वान और इतिहासकारों का ख्याल ये है कि किताबुल हिंद लिखने के लिए अल बिरूनी ने पूरे हिंदुस्तान का सफ़र बिल्कुल नहीं किया था बल्कि जिस तरह अल बिरूनी को महमूद गजनवी अपने दरबार में बुखारा से लेकर आए थे उसी तरह महमूद गजनवी के दरबार में बहुत से हिंदुस्तानी विद्वान भी शामिल थे जिनको पकड़ कर लाया गया था जो अपनी फिलोसोफी या दर्शन शास्त्र और धार्मिक ज्ञान के माहिर थे और यही हिंदुस्तानी विद्वान अल बिरूनी की मालूमात और नॉलेज का जरिया बने। अल बिरूनी के अहम तरीन कारनामों में से एक कारनामा ये भी है कि उन्होंने तजुर्बे या अनुभवी तरीके से पृथ्वी का रेडियस मालूम किया जो आज के दौर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मापे गए रेडियस से करीब करीब मिलता जुलता ही है। इस मकसद के लिए अल बिरूनी ने अपने वक्त के राय तरीकों से हटकर ट्रिग्नोमेट्री के उसूलों यानी ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स के मुताबिक एक बिल्कुल नया तरीका खोज निकाला जिसमें आपने पहाड़ी की ऊंचाई और एंगल से बनने वाले हॉरिजोन को इस्तेमाल किया। ये पूरा विज्ञानी एक्सपेरिमेंट आपने पाकिस्तान के पंजाब के शहर पिन दाउन खान के किले नंदाना में किया था। अल बिरूनी की किताब तहतीबुल निहाया मैथमेटिकल जियोग्राफी में एक शाहकार किताब है यानी इंसाइक्लोपीडिया जितनी बड़ी है। जिस किताब में आपने अलग अलग शहरों के बीच के फासले और ज़मीन पर इन शहरों के कोऑर्डिनेट्स निकालने के उसूल और तरीके कायम करके लिख दिए थे इसी किताब में आपने ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स को इस्तेमाल करके पवित्र मक्का शहर की सिमत यानी दिशाओं का पता लगाया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुसलमानों के यहाँ नमाज के लिए खाना काबा की सिमत यानी दिशाएँ मालूम करने के मसले का प्रैक्टिकल हल पेश किया। इसके अलावा आपने पहाड़ों के बनने के अमल यानी पहाड़ कैसे वजूद में आते हैं और फॉसिल्स यानी ज़मीन में से मिलने वाले अवशेषों पर भी काफ़ी रिसर्च किया। एक बड़े अजीम एस्ट्रोनॉमर यानी अवकाश शास्त्री जिनका नाम टोलोमी था ये टोलोमी ही थे जिनको एस्ट्रोनॉमी या अवकाश शास्त्र के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। उनकी किताब एल्मागेस्ट एस्ट्रोनॉमी फील्ड की सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है। टोलोमी ने दूसरी सदी में जियोसेंटरिज्म की खोज की और कुछ आइडियाज़ दुनिया के सामने रखे जिनके मुताबिक आसमान में चमकता हुआ सूरज
दूसरे ग्रह और अवकाश के बहुत सारे तत्व हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी इन सब के बीच में या केंद्र में रहती है। ये खोज टोलोमी ने दूसरी सदी ईस्वी में की थी, इसे जियोसेंटरिज्म कहा जाता है। दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी के साथ साथ सारे ग्रहों, उपग्रहों और हर चीज़ का सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना और सूरज का इनके बीच में केंद्र में होना, इस प्रक्रिया को हेलियोसेंटरिज्म या हेलियोसेंट्रिक कहा जाता है और इसकी खोज 16वीं सदी 16th सेंचुरी में की गई थी। अल-बिरूनी ने अपनी तहकीक और रिसर्च के अंदर यह महसूस किया कि टोलोमी ने सूर्यमंडल पर अपने रिसर्च के अंदर ऐसी वैल्यूज़ और ऐसे आइडियाज़ को इस्तेमाल ही नहीं किया जो उनकी खुद की रिसर्च के खिलाफ जाती थी, बल्कि सिर्फ उन वैल्यूज़ को इस्तेमाल किया जो टोलोमी के अपने नज़रियात और आइडियाज़ को मजबूत करती थी। अब अल-बिरूनी ने टोलोमी के जियोसेंटरिज्म को एकदम से रद्द तो नहीं किया, मगर टोलोमी जिन कैलकुलेशन की वजह से इन नतीजों पर पहुँचे थे वो तमाम आइडियाज़ बेफजूल हरगिज़ नहीं थे, बल्कि टोलोमी के उन्हीं आइडियाज़ की मदद से ये 16वीं सदी का हेलियोसेंटरिज्म भी साबित किया जा सकता था। और ये बात सच है भी, आज के दौर में हम जदीद या मॉडर्न टेलीस्कोप और रेडियो टेक्नोलॉजी की मदद से ये बात जान चुके हैं कि अपनी असल हकीकत में दूसरी सदी का जियोसेंटरिज्म और 16वीं सदी का हेलियोसेंटरिज्म, ये दोनों आइडियाज़ और खोज बिल्कुल गलत है। हाँ, हेलियोसेंटरिज्म हकीकत के हिसाब से पूरी तरह गलत बिल्कुल नहीं था। अल-बिरूनी ये समझते थे कि टोलोमी की किताब एल्मागेस्ट अपने अंदर समाये आइडियाज़ के हिसाब से अब बहुत पुरानी हो चुकी है और दुनिया को एक बेहतर तहकीक और रिसर्च की ज़रूरत है, सो इसी वजह से उन्होंने कानून अल-मसूदी जैसी बेहतरीन मास्टर किताब लिखी जिसमें ना सिर्फ उस वक्त तक एस्ट्रोनॉमी का यानी अवकाश शास्त्र का पूरा कच्चा चिट्ठा शामिल था, बल्कि भविष्य में या आने वाले वक्त में ज़्यादा रिसर्च और खोज के लिए बहुत सी बुनियादों पर कवानीन और रूल्स भी पेश किए गए थे जिससे एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक नया इनकलाब आ गया। यही तो वजह है कि इनको टेलीस्कोप की खोज से पहले के सबसे बेहतरीन एस्ट्रोनॉमर्स या अवकाश शास्त्रियों की लिस्ट में शामिल किया जाता है और अपनी इन्हीं खिदमात, खोज, रिसर्च और एस्ट्रोनॉमी फील्ड के अंदर अपने ग्रेट कंट्रीब्यूशन की वजह से ही चांद के एक हिस्से का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, जिस हिस्से को आज विज्ञान अल-बिरूनी क्रेटर के नाम से जानता है। इसके अलावा अल-बिरूनी के रिसर्च ने जिन विषयों को अपना मौजू बनाया उनमें चांद, हलन चलन, तारों, सितारों और ग्रहों की कक्षा, रोशनी की रफ्तार, प्रकाश और परछाइयां यानी साया पर रिसर्च और इसके अलावा प्रैक्टिकल रिसर्च में हीरे, जवाहरात, दांतों का इलाज और दवाइयां बनाना भी शामिल है। तीसरे आयाम यानी थर्ड डायमेंशनल स्पेस में किसी बॉडी या शरीर की पोजिशन निकालने का जो तरीका अल-बिरूनी ने पेश किया उसको मॉडर्न दौर में पोलर कोऑर्डिनेट्स के पूर्वज यानी फोर रनर कहा जाता है। अल-बिरूनी के तहकीक और रिसर्च की खास बात ये थी कि वो अपने नतायज या रिजल्ट के साथ साथ अपनी पूरी तहकीक, दलाइल और पूरा डेटा पेश किया करते थे ताकि कोई भी उनके तरीके और आइडियाज़ को इस्तेमाल करके सही नतीजों और सही खोज तक पहुँच सके। और यूँ कोई भी अल-बिरूनी के रिसर्च और उनके नतायज से जुड़ी किसी भी चीज़ पर किसी तरह की उंगली ना उठा सके। अल-बिरूनी की शक्ल में हम एक ऐसे इंसान को देखते हैं जो विज्ञान या साइंस के एक एक्सपेरिमेंटल मेथड पर पूरी तरह से यकीन रखते थे। विज्ञान और अकली दलाइल यानी मेंटली प्रूफ की रोशनी में आम जिंदगी के मसलों को हल करने के कायल थे, जहां उन्होंने अपने इल्म और नॉलेज से बहुत सी लुप्त हो चुकी और नई खोजों पर प्रकाश डाला, वहीं पर उन्होंने सदियों से चले आ रहे नज़रियात और बहुत पहले किए गए रिसर्च पर शक की ठोकर लगाकर उनको पहले से ज़्यादा बेहतर और इस्तेमाल करने लायक अंदाज में पेश किया। अल-बिरूनी की वफात साल 1050 ईस्वी 1050 AD गजनी सल्तनत में हुई थी और आपकी आखिरी आरामगाह आज के अफगानिस्तान के शहर गजनी ही में मौजूद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको इस बात का पता था कि चांद पर किसी मुसलमान वैज्ञानिक का नाम भी लिखा हुआ है? क्या आप पहले से अल-बिरूनी के बारे में जानते थे या आपने अल-बिरूनी को इसी वीडियो से जाना? ये सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे।
अस्सलामु अलैकुम।